सो है गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का दिन हम सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज हमारे प्रभु श्री राम जी अयोध्या आ रहे हैं। लगभग 500 वर्षों का इंतजार आज खत्म होने जा रहा है, बट दुर्भाग्यवश हम लोग अयोध्या तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन फिर भी आप लोगों को भगवान श्री राम जी के दर्शन जरूर करवाएंगे। हमारे अहमदाबाद शहर में एक वस्त्राल नाम का जगह है, वहां पर हमारे प्रभु श्री राम जी का एक बहुत ही प्यारा सा मंदिर है। आज हम लोग वहीं पर जाने वाले हैं। सो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, हम लोग फटाफट मंदिर पहुंचते हैं और आप लोगों को भगवान जी के दर्शन करवा दें। गाइस, यहाँ का माहौल देखिए आप लोग, बहुत ही जबरदस्त माहौल है। काफी लोग आए हुए हैं हमारे प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने के लिए। हर तरफ भगवा लहरा रहा है और जय श्री राम का नारा भी लगाया जा रहा है। और ऐसा क्यों ना हो, हमारे प्रभु 500 वर्षों के बाद अयोध्या आ रहे हैं, सो उनका स्वागत तो बनता ही है। यहाँ पर राम मंदिर का बड़ा सा गेट बनाया हुआ है, आप लोग देख ही सकते हैं। इसे काफी अच्छा डेकोरेट भी किया हुआ है। और कल के दिन हमारे गुजरात के जो CM है मिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल जी, वो भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने भगवान श्री राम जी की आरती भी की थी। बाकी आप लोग यहाँ का क्राउड तो देख ही सकते हैं, काफी लोग आ रहे हैं यहाँ पर दर्शन के लिए। और ये सामने कुछ काउंटर बना हुआ है, ये देखिए, यहाँ पर हमें अपना जो शूज है उसे जमा करवाना होगा। सो चलिए हम लोग अपना शूज यहाँ पर जमा करवा देते हैं। गाइस, हमने अपना शूज जमा करवा दिया है और हमें एक कॉइन दिया गया है, इस पे एक नंबर भी लिखा हुआ है। हमारा कॉइन नंबर 359 है। और आसमान में आप लोगों को एक बड़ा सा बलून भी दिखाई दे रहा होगा, ये हमारे राम मंदिर ट्रस्ट का बलून है। और यहाँ पर भगवान जी के कुछ पोस्टर्स भी लगाए हुए हैं, आप लोग देख ही सकते हैं। यहाँ फ्लैट के ऊपर भी एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है और ये पानी की टाकी के ऊपर भी एक पोस्टर लगा हुआ है, जो कि काफी अच्छा लग रहा है। आप लोग ये जो गेट देख रहे हैं, ये मंदिर का एंट्रेंस गेट है, हमें यहाँ से चल के आगे जाना होगा। और यहाँ पर दो लाइन है, मेल की लाइन अलग है और फीमेल की लाइन अलग है। अभी दोपहर के लगभग 2:30 बज रहे हैं, फिर भी आप लोग यहाँ का क्राउड देख सकते हैं, काफी ज्यादा भीड़ है। यहाँ पर काफी मात्रा में श्रद्धालु आए हुए हैं श्री राम जी के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर नॉइस भी काफी ज्यादा है, मैंने अपने माइक का जो नॉइस कैंसिलेशन है वो ऑन रखा हुआ है, सो आप लोगों को एक्स्ट्रा वॉइस नहीं सुनाई दे रहा होगा। गाइस, राम जी का मंदिर तो बहुत ही खूबसूरत है, इसे काफी अच्छा सजाया हुआ है। हमें दर्शन के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भक्तों की बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है। लेकिन यहाँ पर ना दिल को सुकून मिल रहा है, अंदर से मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। ये मंदिर अयोध्या के राम मंदिर जैसा तो नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है। और मंदिर छोटा हो या बड़ा, उससे क्या ही फर्क पड़ता है, हमारे जो भगवान है वो तो सभी जगह पर है। हम लोग मंदिर के अंदर आ चुके हैं और अब आप लोग भगवान श्री राम जी के साक्षात दर्शन कर पा रहे हैं। यहाँ पर भगवान जी को बहुत सारे फ्रूट्स का भोग लगाया हुआ है, काफी सारा प्रसाद चढ़ाया हुआ है। और ये देखिए, यहाँ पर आर्ट के जरिए भगवान की जो जीवन लीलाएं थी वो सब दिखाई गई है। राम मंदिर के अंदर यहाँ पर हमारे महादेव जी का भी एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। मतलब अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं तो आप लोगों को राम जी के दर्शन तो होंगे ही, उनके साथ साथ महादेव जी के भी दर्शन हो जाएंगे। और ये देखिए, ये श्री कृष्ण जी के चरण है, लोग इन्हें छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं। हमने भगवान श्री राम जी के दर्शन तो कर लिए हैं और वहां पर नीचे की तरफ प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। हम लोग प्रसाद ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग हवन कुंड एरिया में जाएंगे। यहाँ से आप लोग थोड़ा बहुत तो देख ही पा रहे होंगे, वहां पर बहुत सारे हवन के कुंड बने हुए हैं,
चलिए मैं पास में चलता हूँ और आप लोगों को पास से दिखाता हूँ। गाइस अब हम लोग हवन कुंड एरिया में आ चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे हवन कुंड बने हुए हैं। आई थिंक 70 या 80 हवन कुंड तो होंगे ही। और यहाँ पर हमारे प्रभु श्री राम जी के लिए कथा करवाई जा रही है। भगवान के दर्शन करने के बाद अब हम लोग मंदिर के बाहर आ चुके हैं और यहाँ पर एक बड़ा सा हॉल बना हुआ है। यहाँ एक साधु संत आए हुए हैं, वो कुछ अच्छी बातें बता रहे हैं और कुछ सुविचार भी बता रहे हैं। और एक चीज तो मैं आप लोगों को दिखाना भूल ही गया था, ये देखिए, ये सबरी की कुटिया है और हमारे प्रभु श्री राम जी बैठे हुए हैं वहां पर। सबरी उन्हें अपने हाथों से बैर खिला रही है। ये दृश्य बहुत ही मनमोहक लग रहा है।